अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजर में, फिर जैंग कुछ दिनों के बाद उठ जाता है। बाल जैंग को देखकर बोलता है, कमीने कहीं के तुम आखिरकार उठ ही गए, तुम पिछले 3 दिन और 3 रातों से सो रहे हो, कांग्रेचुलेशन तुमने सारे चेस को पास कर दिया है, चलो देखता है इसका अब रिजल्ट क्या आता है। फिर वो जैंग को पंच मारने बोलता है, जैंग वो पोल को पंच मारता है और वो मुड़ जाता है। जैंग बोलता है कुछ गड़बड़ी है, मैंने ज्यादा जोर से तो पंच मारा नहीं है। बाल शॉक्ड होकर बोलता है ये आयरन का बार है। स्ट्रेंथ बोलता है सही में ये ताकत बहुत ही भयानक था, तुम्हें तो पता चल गया ना ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स किसे कहते हैं। जैंग बोलता है डॉक्टर तुमने मेरे साथ क्या किया है। स्ट्रेंज बोलता है मेरा दवाई तुम्हारे ताकत को बढ़ा दिया है, अभी तुम्हारा आग जेट की तरह साफ हो गया है, तुमने पहले ही मास्टर कर लिया है टाइगर रॉड और ड्रैगन क्रॉल को, अब तुम सुप्रीम रियल में जाने वाले हो गोल्डन ड्रैगन के। बाल जैंग को बोलता है हे तुमने ये सब कब सीखा। जैंग बोलता है हाँ मुझे याद है, ये 2 किताब मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। बाल बोलता है लड़के तुम बहुत ही लक्की हो कि तुम हाई लेवल के स्किल को सीख रहे हो, ये दोनों इसके लाइन टाइम के थे। स्ट्रेंथ बोलता है अगर तुम्हारे पास बुद्धा का ताकत नहीं होता तो तुम कब का मर जाते हैं, और इसके अलावा तुम्हारे पास 2 स्किल था पहले से ही, जब तुम्हारे अंदर मेरा दवाई गया तो तुम्हारे स्किल का लेवल अपग्रेड हो गया, ड्रैगन और टाइगर दोनों सपोर्ट करेंगे, अभी तुम्हारा लेवल ए लेवल है। तभी बाल जैंग को बोलता है चलो मेरे साथ ये आखिरी टेस्ट है। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है सही में अभी भी बचा हुआ है क्या। फिर बाल उसे ले जा रहा होता है कहीं पर। जैंग बोलता है सर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। बाल बोलता है डेड आइलैंड, तुम वहाँ पर लड़ाई पीट करोगे दुनिया के बेस्ट फाइटर से। वो डेड आइलैंड पैसिफिक ओशन के बीच में है, वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी जोर नहीं चलता है। जो हम लोग फाइटिंग ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रॉन्गेस्ट किलिंग है, हर गेम में बहुत ही बड़ा पैसा लगता है और वहाँ पर कोई भी रूल नहीं है, जब तक तुम दूसरे ओपोनेंट को मार नहीं देते। हम लोग अभी जा रहे हैं ए लेवल के कंपटीशन में, वहाँ के सारे कंपटीटर ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स लेवल में है, वे लोग सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैंग बोलता है ए लेवल से भी ऊपर ऐसा होता है ना। बाल बोलता है हाँ लेकिन ऐसे लेवल का बैटल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, तुम उसके लिए अभी क्वालिफाई नहीं हो, अच्छा रहेगा कि तुम वहाँ पर नहीं जाओ। जैंग बोलता है क्या मैं शर्ट लगा सकता हूँ क्या। बाल बोलता है बेशक, वहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, तुम कितना भी वेट लगा सकते हो, तो तुम कितना वेट लगाना चाहते हो। जैंग बोलता है जरा सोचने दो। फिर वो सोचने लगता है, फिर कुछ देर के बाद बोलता है $1 बिलियन। बाल बोलता है मुझे नहीं पता था तुम इतना अमीर हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो और स्ट्रेंज एक साथ बैठकर पी रहे होते हैं। वो स्ट्रेंज को बोलता है तुम मेडिसिन के लेवल में दूसरे नंबर में आते हो, तुम्हारा मदद करने के लिए शुक्रिया। अब जैंग बहुत ही आगे पहुंच गया है। वो हंसते हुए बोलता है लेकिन मैं बहुत सालों से एक ही घर में रहा हूँ। लेकिन मिस्टर हुआ तुम उस लड़के पर ज्यादा ही आशा लगा रहे हो। वो बोलता है मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ और वो मेरा आखिरी आशा है। वो आदमी दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते जा रहा है और मैं अकेले उसे हरा नहीं सकता हूँ। दूसरी तरफ जैंग वहाँ पर पहुंच जाता है। एक आदमी वहाँ पर पहले से खड़ा होता है जिसका नाम बिली होता है। वो बाल को देखकर बोलता है तुम्हारा स्वागत है बाल, अभी से तुम्हारा पूरा खर्चा मेरे ऊपर रहेगा। जो लोग यहाँ पर लड़ने के लिए आए हुए हैं वो सारे लोग दुनिया के टॉप प्लेयर हैं, तो तुम किस लेवल को लाए हो यहाँ पर फाइटिंग करवाने के लिए। बाल बोलता है ए लेवल को। बिली जैंग को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ए लेवल का फाइटर ही है। जैंग बोलता है बुरे इंसान तुम मुझे कम समझ रहे हो क्या। बिली हंसते हुए बोलता है बेशक नहीं, सही में लोगों को देखकर ये पहचान में नहीं आता है कि वो लोग कितना ज्यादा ताकतवर है। चलो मैं तुम्हें एरिना दिखा देता हूँ, ये पिछले एरिना से बहुत ही अच्छा है। ये एरिना को जेड ग्रुप ने बनाया है बहुत सारे पैसे खर्च करके, और ये सारे फाइटिंग मैच सभी लोग देखेंगे पूरा दुनिया में। पहला दिन सी लेवल का मैच होगा, फिर दूसरा दिन बी लेवल का, और ऐसे ही सभी मैचेस चलते रहेंगे। जैंग बोलता है ये जेड ग्रुप क्या है। बिली बोलता है ये एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो कोई भी कंट्री से बिलोंग नहीं करता है, और ये इस डेड आइलैंड को कंट्रोल करते हैं। ये ग्रुप का अपना आर्मी है, जो सारे आइलैंड में मिल रहे पैसे वो वही लोग दे रहे हैं। तभी एक आदमी हंसते हुए वहाँ पर आ जाता है और उसका नाम रहता है हंटर, और वो बोलता है बाल बहुत दिन हो गए तुमसे मिला हुआ, आखिरकार तुम फाइटिंग कॉन्टेस्ट में आ ही गए। बाल बोलता है हंटर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। हंटर बोलता है बाल मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं 5 साल पहले तुमसे हार गया था लेकिन इस बार मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ। बाल बोलता है मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। हंटर बोलता है अगर तुम लड़ोगे नहीं मैं इस आदमी को मैच में मरवा दूंगा। बाल हंसते हुए बोलता है मुझे पता है कि ये उस गेम में नहीं टिक पाएगा। फिर हंटर वहां से जाते हुए बोलता है ठीक है गेम में मिलते हैं, फिर उसका पाँव स्लिप करके वहीं पर गिर जाता है। जैंग ये देखकर बाल को बोलता है क्या ये सही में आपके बराबर ही है। बाल बोलता है हाँ जाओ जाके आराम कर लो, कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगला दिन अनाउंसर बोलती है सभी लोग तैयार होना, आज का मैच सी लेवल के बीच में होगा। पहला आदमी का नाम है ट्रैवलर एशिया से, दूसरा का नाम है येल्लो हेयर
साउथ अमेरिका से येलो हेयर ट्रैवलर को बोलता है, तुम कमीने कह क्या, मैं तुम्हें मार कर फेंक दूंगा। ट्रैवलर बोलता है ठीक है आ जाओ। दूसरी तरफ जैंग बिली को बोलता है, बूढ़े इंसान 5 मिलियन ट्रैवलर में लगा दो। बिली बोलता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो एकदम श्योर है इस बात को लेकर? सभी लोग येलो हेयर में लगा रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। जैंग बोलता है जैसा मैंने बोला वैसा करो। जैंग अपने मन में बोलता है येलो हेयर ताकतवर है, लेकिन वो लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है उसे भी। होश उन दोनों को बोलती है चलो आते हैं गेम के रूल में, कोई भी मारे जाएगा या फिर लाइन के बाहर जाएगा वो हार जाएगा। अब गेम को स्टार्ट किया जाता है। दूसरी तरफ मैसेज स्टार्ट हो जाता है। येलो हेयर ट्रैवलर को बोलता है तुम बच्चे कहीं क्या, मैं तुम्हें एक ही पंच में मार डालूंगा। और फिर उस पर हमला कर देता है और बोलता है बाहर में जाओ, लेकिन वो उसके हमले से बच जाता है और वहां से निकल जाता है। येलो हेयर बोलता है चलो लुकस होके खेल लेना, चलो खेलते हैं। फिर वो ट्रैवलर पर हमला कर देता है। ट्रैवलर उसके हमले से बच जाता है और बोलता है तुम बहुत ही धीमे हो, तुम्हारे पास क्या इतना ही दम है क्या? येलो हेयर बोलता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन ट्रैवलर उसके हमले से बच जाता है और उसके पीछे में आकर बोलता है हे मैं यहाँ पर हूँ। फिर ट्रैवलर येलो हेयर के सर में एक जोर से पंच मारता है और वो जमीन में गिर जाता है। अनाउंसर बोलती है येलो हेयर गिर गया है, चलो काउंटडाउन करते हैं। फिर वो 10 से लेकर 1 तक काउंटडाउन करती है और उसके बाद बोलती है गेम खत्म हो गया है, ट्रैवलर जीत चुका है। दूसरी तरफ विली जैंग को बोलता है सही में तुम बहुत ही अच्छा शर्त लगाते हो, हम लोग अभी 5 मिलियन जीत चुके हैं। जैंग बोलता है तुम 1 मिलियन रख सकते हो इनाम के तौर पे। बिली बोलता है मिस्टर जैंग आप बहुत ही दयालु हो। अनाउंसर बोलती है चलो अब आ गया है समय ग्रुप बी का। बी लेवल का प्लेयर लेक्स गुजिन को हरा चुका है। अब दूसरा बैटल होने वाला है दो हेवी वेट का प्लेयर से। पहला फाइटर का नाम है रिक और दूसरा ओपोनेंट है जैंग वू। जैंग वू को देखकर अपने मन में बोलता है वो यहाँ पर कर क्या रहा है। फिर वो रिक के सर में देखकर बोलता है ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है, मुझे याद है मेरे मास्टर ने बताया था ये सिंबल के बारे में, वो बोल रहे थे कि ये गद्दारों का साइन है। दूसरी तरफ रिक वो को बोलता है वो क्या तुम मुझे यहाँ पर हराने आए हो क्या? वो बोलता है मैं तुम्हारे से हिसाब लेने आया हूँ। अनाउंसर बोलती है चलो गेम को स्टार्ट करो। रिक वो को बोलता है वो मुझ पर हमला करो, अपना मुक्कों का बारिश मुझ पर करो। फिर वो गुस्से से उस पर मुक्कों का बारिश कर देता है। रिक मार खाने के बाद अपने मन में बोलता है धत्ते रिक ये तो पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। बाल बोलता है लगता है कि ये दोनों दुश्मन है। दूसरी तरफ रिक जू को बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इसे गिरा सकते हो क्या, तुम बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो। फिर वो उसके पेट में एक जोर से किक मारता है और उसके बाद एक जोर से पंच मारता है। फिर उन दोनों के बीच में टक्कर का मुकाबला हो रहा होता है। ये देखकर अनाउंसर बोलती है ये मुश्किल है बताना कि कौन जीतेगा, चलो देखते क्या होता है। तभी बुरा आदमी चिल्लाते हुए बोलता है जैंग जीतेगा उसे मार डालो। जैंग उसे देखकर बोलता है बूढ़े इंसान तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, लग रहा है कि तुम हार जगह ही हो। बुरा आदमी बोलता है मैं इसे कैसे मिस कर सकता हूँ। जैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा। वो बुरा इंसान बोलता है ये मुश्किल है बताना, ऊपर डिपेंड करने का शक्ति बहुत ही ज्यादा है, मुझे लगता है कि वही जीतेगा। हाँ बिल्कुल मैं उस पर बहुत ही पैसा लगा दिया हूँ। जैंग बोलता है ओ तुम भी। दूसरी तरफ रिक ऊपर हमला कर रहा होता है और फिर वो का गला पकड़ के बोलता है वो ये तुम्हारा अंत है, ये लो मेरा अल्टीमेट ट्रिक सोल सकिंग स्पेल। फिर उसका आंख पीला हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अनाउंसर बोलती है लगता है कि रिक इसे खत्म करने वाला है। दूसरी तरफ रिक वो को बोलता है वो कैसा लग रहा है, तुम्हें बहुत ही कमजोरी लग रहा है ना अभी, मैं कुछ ही देर में तुम्हें सुखा दूंगा। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है अब ये क्या है। बुरा इंसान बोलता है ये सोल सकिंग स्पेल है जो इविल आर्ट भी होता है, इसे तुम अपना ओपोनेंट का पूरा कल्टिवेशन को ले सकते हो। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या, तो वो ब्रदर वो को पूरा सोख लेगा। बुरा इंसान बोलता है ये आगे चलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनाउंसर बोलती है रिक ओपोनेंट को कंट्रोल कर लिया पूरा, अब चलो देखते इसका अगला दाव क्या होता है। दूसरी तरफ वो हंस रहा होता है। ये देखकर रिक बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो। वो बोलता है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया क्या, क्या तुम सही में मुझे चूस रहे हो क्या। रिक शॉक्ड होकर बोलता है ये चल क्या रहा है। वो बोलता है लग रहा है कि तुम मेरे बारे में बहुत ही कम जानते हो, मैं बाइक लाइन से हूँ, ये सब मेरे पे काम नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए कि असली सोल सकिंग किसे बोलता है। रिक अपने मन में बोलता है धरती रिकी मैं अपना बॉडी का कल्टिवेशन खो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा कल्टिवेशन बाहर जा रहा है, फिर वहाँ पर बहुत ही रोशनी चमकने लगता है। कुछ देर के बाद अनाउंसर बोलती है वो अभी खड़ा है और वो एकदम सुरक्षित है, लेकिन रिक एक डेड बॉडी बन गया है। तो रिक नहीं रहा, इसका मतलब जैंग जो हमारा विनर है। जैंग बोलते हैं मैं ब्रदर के पास बहुत ही ताकत है। बुरा आदमी बोलता है मुझे पता था कि मैं सही हूँ। अनाउंसर बोलती है तो गेम आज यहीं पर खत्म होता है, कल ए लेवल का फाइटिंग होने वाला है, तो फिर हम लोग कल यहाँ पर मिलेंगे। वो वापस जाने लगता है तभी जैंग बोलता है ब्रदर कांग्रेचुलेशन। वो शॉक्ड होकर बोलता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो।
जैंग बोलता है, मैं भी तुमसे ये पूछ रहा था। फिर वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। वो जैंग को बोलता है, ये गद्दारों का बैच बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था कुछ दिनों से, इसलिए बॉस ने ऑर्डर दिया था कि दो गद्दार को मार दो। मैंने एक गद्दार को सी में मार दिया है, दूसरा गद्दार रिक था जो मैं मार दिया हूँ।